नमस्ते बच्चों, स्वस्ति शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा है ए और विषय हमारा है सामान्य ज्ञान यानी जीके। और आज हम चैप्टर नंबर 11 यानी 11 हाँ फल। हमारे चैप्टर का नाम कौन सा है? फल। तो देखो बच्चों, आज फल में हम देखेंगे कि कितने सारे फल होते हैं। आपने तो देखे होंगे ना, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्रूट। तो फ्रूट कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि बहुत सारे प्रकार के होते हैं जो आपने देखे होंगे बाजार जब जाते हो तो यहाँ पे आपको फल के बारे में बताया गया है। तो हमें फल खाना अच्छा लगता है, हमें फल खाना अच्छा लगता है ना, सबको सब फल पसंद होते हैं। कोई किसी को एप्पल पसंद होता है, किसी को बनाना यानी कि सेब, किसी को केला, किसी को संतरा, तो किसी को चीकू। इस तरह के फल सबको अलग अलग पसंद होते हैं। और आम तौर पर पके फल स्वाद में मीठे होते हैं। और जैसे कि सब फल जो होते हैं वो पके हुए ही मीठे लगते हैं। फल खाने से हमें स्वस्थ रहते हैं और ताकतदार बनते हैं। और देखिए, फल हम खाने से हम स्वस्थ भी रहते हैं और ताकतवर भी बनते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको कभी भी ऐसा कुछ बुखार हो जाए या पेट में दर्द हो तो आपको डॉक्टर क्या बोलेंगे कि आपको फल खाने चाहिए, यानी कि आपको रोटी खाने के लिए मना कर देंगे और फल आपको खाने के लिए हाँ बोल देंगे कि आप फल आपको खाने हैं। तो देखिए, ये फल यानी पहला जो फल है वो क्या है, केला। क्या है? केला। ये सबको पसंद है, सबको पसंद आता है बच्चों को। बाद में सेब, फिर है अमरूद और आम। तो केला पसंद है, अमरूद भी सब बच्चों को पसंद होता है, यानी कि फल है जो कैसा होता है, खट्टा मीठा स्वाद होता है। इसका कैसा स्वाद होता है? खट्टा मीठा। और आम तो खाली क्या होता है, मीठा होता है। सेब भी ऐसे ही होते हैं, कई कई सेब अलग अलग तरह के होते हैं। और देखिए बच्चों, आपको आगे दिए हैं फल चीकू और अंगूर। चीकू और अंगूर, फिर है अनानास, तरबूज। तरबूज सबको पसंद होता है बच्चों को, है ना, उसमें क्या होता है, बहुत सारा पानी होता है। तरबूज सबको जब कौन से सीजन में मिलता है हमें, समर सीजन में, यानी गर्मी के मौसम में हमें तरबूज मिलता है। और अनानास ये तो कभी भी मिलता है, अनानास भी कैसा होता है, खट्टा मीठा स्वाद का होता है। आगे है पपीता, संतरा। पपीता संतरा तो ये भी फ्रूट है जो हमें अच्छे लगते हैं। संतरा भी खट्टा मीठा होता है और पपीया क्या होता है, मीठा होता है बच्चों। फिर है अंजीर और अनार। अंजीर, अंजीर भी खाने से हमें क्या मिलती है, ताकत मिलती है, प्रोटीन मिलता है, हम स्वस्थ रहते हैं। अंजीर भी एक ऐसा फल है जो हमारे शरीर को ताकत देता है। फिर अनार, अनार में क्या होती है बच्चों, क्या होती है, उसमें इतनी सारी बी होती है कि आप गिनकर देखना एक थाली में निकाल कर कि कितनी सारी बीज उसमें होती हैं। अनार भी सब बच्चों को पसंद होता है, वो भी खट्टा मीठा होता है स्वाद में। तो आपको पता चल गया बच्चों कि कितने सारे फल है। देखिए, केला है, सेब है ना, अमरूद है, आम है, फिर बाद में आपको यहाँ पे चीकू दिया है। चीकू सबको पसंद होता है ना, वो मीठा होता है। और जो अंगूर है वो भी खट्टे मीठे होते हैं। अंगूर तो कब मिलते हैं, गर्मियों के मौसम में मिलते हैं, नहीं उसके पहले वो आ जाते। आम, जब आम का सीजन आता है उसके पहले हमें अंगूर खाने के लिए मिल जाते हैं। फिर आम का और तरबूज का सीजन एक जैसा होता है ना। फिर अनानास है, अनानास सबको पसंद आता है। फिर तरबूज, पपीता, संतरा है ना, नारंगी बोलते हैं उसे, है ना, संतरे को क्या बोलते हैं, नारंगी। फिर अंजीर और अनार। देखिए बच्चों, आगे के पेज पर हम देखते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे स्वाध्याय दिया है, मौखिक उत्तर दो। तो देखिए, मैं आपको प्रश्न पूछूंगी, आपको वो सामने से जवाब देना है। मौखिक कहने आपको, सेब किस रंग का होता है, तो आपको बताना है बच्चों कि सेब किस रंग का होता है, तो सेब रंग लाल रंग का होता है। किस फल में बीज नहीं होते, तो किस फल में बीज नहीं होते बच्चों, तो अंगूर में, अंगूर के फल में बीज नहीं होते। होते हैं क्या, आपने खाए होंगे ना अंगूर, तो उसमें बीज होते हैं क्या, नहीं होते हैं। तो देखिए बच्चों, नंबर 3 पर है, तरबूज किस रंग का होता है,
तो तरबूज किस रंग का होता है? तो तरबूज भी कैसे लाल रंग और हरे रंग का भी होता है। आपने देखे होंगे हरे रंग के ज़्यादा तरबूज देखे होंगे, है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग का ही तरबूज होता है। कौन से फल बहुत रसीले होते हैं? तो कौन से फल बहुत रसीले होते हैं? तो देखो बच्चों, यहाँ पे आम तरबूज बहुत रसीले है। फल में आम बहुत रसीला होता है, तरबूज भी हमने तो खाया है तरबूज, आपको भी पता है कि उसमें कितना रस होता है, पानी पानी कितना होता है, तो वो भी क्या है, रसीला है, बहुत रसीले होते हैं। फिर यहाँ पे आपको दिया है बच्चों, अपनी पसंद के किन्हीं चार फलों के नाम लिखो। जो आपको फल पसंद हो, सेब तो सबको पसंद होता है, आम भी होता है, कोई कोई बच्चा ऐसे होते हैं उनको केला पसंद नहीं होता, किसी को चीकू पसंद नहीं होता, किसी को पपीता पसंद नहीं होता, अनार पसंद नहीं होता, ऐसे बच्चे बहुत सारे होते हैं। लेकिन आपको जो भी फल पसंद हो, चार फलों के नाम लिखने खाली, तो आपको पसंद हो आम, पपीता, सेब, अनार, ये पसंद होती है। आपको अमरूद पसंद है तो अमरूद का नाम लिख सकते हैं आप, आपको केला पसंद हो तो केले का, या आपको अंजीर पसंद हो तो अंजीर का भी नाम आप लिख सकते हो। तो देखो बच्चों, आपको समझ में आ गया, ये मौखिक जो उत्तर देना था वो चार प्रश्न है हमारे, और अपनी पसंद के किन्हीं चार फलों के नाम लिखो। तो यहाँ पे आपके जो फल है चार, आप उसमें पपीता, अनार, केला, सेब या कोई भी चार फल जो पसंद है आपको, वो लिख सकते हो यहाँ पे। फिर आगे आपको दिया है नंबर तीन पर, इन फलों के नाम लिखो तथा इनमें रंग भरो। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको फल दिए हैं, ये कौन सा फल है बच्चों? आपको तो भले इसमें रंग नहीं, लेकिन आप पहचान गए नहीं इसे, ये कौन सा फल है? सेब है, और ये आम है, और फिर नीचे आपको अंगूर और केला दिया है ना। ये चार जो फल दिए हैं आपको, तो उनके नाम लिखने हैं, और आपको क्या करना है बच्चों, इसमें रंग भरना है। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे नाम लिख देना है, और रंग आप अपने यानी सेब में लाल रंग होता है, और आम में कौन सा होता है, पीला, फिर अंगूर में हरा, और केले में भी पीला। तो इस तरह से रंग आपको वहाँ पे भरने हैं। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे पहली में दिए गए संकेतों के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो देखिए, आपको यहाँ पे क्या दी है, पहली दी हुई है, तो यहाँ पे सेब, तो सेब, तो यहाँ पे सेब आएगा, यहाँ पे केला आएगा, यहाँ पे अनार, फिर नीचे पपीता, फिर तरबूज, फिर अनानास, इस तरह से आपको वहाँ पे नाम लिखने हैं। तो आपको समझ में आ गया बच्चों, ये आपका होमवर्क है, आपको यहाँ पे पहली में अच्छे से नाम लिखने हैं। आपको अभी मैंने आपको बताया था कि सेब, सेब, तो यहाँ पे नाम अच्छे से आना चाहिए, केला, अनार, पपीता, फिर तरबूज, फिर अनानास, इस तरह से आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 11 था, यहाँ पे पूरा हुआ बच्चों, जो जीके में आज हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, फलों के बारे में आज हमने यहाँ पे पढ़ा, जो हमारे चैप्टर का नाम क्या था, फल था। जय गायत्री बच्चों।